बता रही हूँ लगातार आपके ग्रुप में भी सुपरवाइजर सीडी पे कह रहे ज्वाइनिंग मेल हो गए तो हेडक्वार्टर फाइल भेज देंगे, हेडक्वार्टर फाइल भेज देंगे, यही आ रही है ना बातें, तो इस पर क्या जवाब देना है? भेज दो फाइल, आपकी फाइल हेडक्वार्टर चली जाएगी तो ऐसा क्या तूफान होगा? हेडक्वार्टर तो बंद है ना, फाइल कहाँ जाएगी? और मैं बार बार इसका जवाब देती रही हूँ, ये सारी की सारी डीलर भक्तियां, मेरे को पता है अभी ये भी मैसेज सर्कुलेट हो रहा है 500 टर्मिनेशन ऑर्डर बने हुए हैं। हाँ बना दो, फर्जी टर्मिनेशन ऑर्डर बनाने में टाइम थोड़ी लगता है। हमारी बहन हुमा गांधी का जो फर्जी टर्मिनेशन ऑर्डर है उसको बनाने में भी थोड़ी टाइम लगता है, फर्जी काम करने में टाइम नहीं लगता है, पुख्ता काम करने में टाइम लगता है। आपको सच्चा काम करना हो, सही काम करना हो तो आपको उसके लिए सबूत जुटाने पड़ते हैं, अपना पक्ष रखना पड़ता है, दूसरे पार्टी को भी टाइम देना पड़ता है कि वो अपना पक्ष रखे, तब आप फैसला सुनाते हैं। हुमा के नाम का जो ये फर्जी टर्मिनेशन ऑर्डर आया, देखो किसी भी बहन के व्हाट्सएप ग्रुप में डिपार्टमेंट ने खुद ये टर्मिनेशन ऑर्डर सर्कुलेट नहीं करवाया। जब मैंने ये बात यहां से बोली है और हमने लोगों को बता दिया कि ये फर्जी बाड़ा है, तब उनके पास कोई चारा नहीं रहा तो उन्होंने एक दो जगह पर भेज दिया, लेकिन वो पहले इस बात को छुपा रहे थे। क्यों छुपा रहे थे? क्योंकि वो भी टेस्ट करते हैं। आपको मैं बताना चाहती हूं, हुमा गांधी के फर्जी जाली टर्मिनेशन ऑर्डर का भी जवाब कानूनी तौर पर दे दिया गया है, हमने केस लगा दिया है। अभी अभी हुमा हमारे लॉयर जो कल सिविल लाइन्स पर आए थे कॉलिन गोंजाल्वेस, उनके ऑफिस से आ रही है और हमारी कोर्ट की पहली हियरिंग ट्यूसडे को है, केस भी लग चुका है। इन्हें लग रहा था सिविल लाइन से बैठे बैठे थक जाएंगे तो हमने हेडक्वार्टर को घेर लिया, हेडक्वार्टर पे कब्जा कर लिया। इन्हें लगा दोनों जगह पे थक जाएंगे तो रोज हम इनका नाक में दम करोड़ी करने जाते हैं, आज भी एक टीम गई हुई है, टीम आ जाएगी वापस तो पता चल जाएगा, अभी आ गई वापस नहीं होगी। इन्हें लगा एक फर्जी टर्मिनेशन ऑर्डर देखो इनके कैंप में कैसी भगदड़ मचेगी, लेकिन उल्टा हुआ, इस फर्जी टर्मिनेशन ऑर्डर से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, और आपको मैं बताना चाहती हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कल को मान लो आपके नाम का आ गया, आपके नाम का आ गया, इसकी क्या वैल्यू है? वही वैल्यू है जो टॉयलेट पेपर की होती है। क्या करती हो टॉयलेट पेपर से? डिपार्टमेंट क्या करता है? वही काम इस फर्जी टर्मिनेशन ऑर्डर का है, इसकी वैल्यू टॉयलेट पेपर जितनी भी नहीं है, टॉयलेट पेपर का फिर भी कोई काम होता है ना, काम आता है टॉयलेट पेपर, ये फर्जी टर्मिनेशन ऑर्डर इतने भी काम का नहीं है। तो आपको मैं कहूँ 500 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, निकालते रहो, लेकिन फर्जी टर्मिनेशन ऑर्डर से ना तो हमारी बहनें कभी डरी थी ना डरी है। ये समझ जाओ ये अलग अलग तरीके से आपको वापस बुलाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसके पीछे क्या है। इनको नाम चाहिए लोगों के जिनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू कर सके। जो गई है सारी, जो सारी गई है सबसे माफी नामे लिखवाए गए हैं, एक भी नहीं है जिससे माफी नामा नहीं लिखवाया गया, और माफी नामे में लिखवाया गया कि मुझसे गलती हो गई, मैंने डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान किया, मैंने तोड़फोड़ की। और आपको मैं बताना चाहती हूँ ये जो गई है उनमें से कईयों के मेरे पास फोन आए, हमसे गलती हो गई, जो आप कह रहे थे वो सच था, हम वापस आना चाहते हैं।
उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। दो तीन दिन के बाद ही, यानी कि उसके दो तीन दिन बाद 12 या 13 तारीख तक ये यहाँ के निगम चुनावों की डेट घोषित कर देंगे। अब तय आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हो। इनका प्लान मैं आपको बता रही हूं, इनका यही प्लान है। हालांकि ये प्लान अपने शुरुआत से ही इतना फ्लॉप प्लान है, क्योंकि इन्हें यह लग रहा है कि अगर हम लोग मामले को आगे बढ़ाते रहे तो हमें मोहलत मिल जाएगी निगम चुनावों तक की, और निगम चुनावों में तो हम जानते हैं हमारी एक एक बहन ये कसम खाकर निकली है कि अगर इन्होंने आचार संहिता लागू करने का कोई भी बहाना बनाया तो निगम चुनावों में इनका जनाजा उठेगा। इस बार इनका दूसरा जनाजा उठेगा। लेकिन मैं आपको कह रही हूं, आप इन्हें यह मौका दे ही क्यों रहे हो? 8 दिन है आपके पास। आप भी तो तय कर सकते हो कि 8 दिनों में इसको घुटनों पर लाके इसकी नाक रगड़वाएंगे। ये तो आप भी तय कर सकते हो। आप भी तो तय कर सकते हो कि जो इसका ये घमंड है इसको चकनाचूर करके झुकाएंगे, सीना तान के जीत कर साथ वापस जाएंगे। ये तो हमारे ऊपर भी है कि हम क्या करते हैं। 8 तारीख को बहनों, आप सबको पता है हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय स्त्री दिवस पर। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये जो पूरा समय हमारे पास है और अभी से लेकर 12 या 13 मार्च तक का जो समय है ये हर बहन गांठ बांध ले। इसकी यही रणनीति है कि इनको थका दो, और आप अगर थकोगे, आप अगर कमजोर पड़ोगे, आप अगर इनकी गीदड़ भक्कियों में आओगे तो ये आप पर हावी होंगे। मैं आपको बता रही हूं, डिपार्टमेंट हड़ताल जब तक चल रही है किसी भी हड़ताली वर्कर या हेल्पर के साथ कुछ नहीं कर सकता। इनके फर्जी टर्मिनेशन ऑर्डर, इनके मेमोज, इनकी सस्पेंशन की धमकियां, ये गैर कानूनी है। इसको मैंने इतनी बार दोहरा दिया है, मुझे लगता है कि अब हमारी बहनों को नींद में भी ये बात वो बोल सकती है। लेकिन इनकी असली साजिश को समझो। ये इस वक्त जानबूझकर वक्त जाया कर रहा है ताकि क्या हुआ, आराम से करो ना, आराम से आओ, शोर मत मचाओ। ये जानबूझकर वक्त जाया कर रहा है कि इसको एक बहाना मिल जाए कि अब आचार संहिता लगी है। तो बहनों, आप लोग भी तो ये कसम खा सकते हो कि इन आठ दिनों में हम इतनी ताकत के साथ अपनी हड़ताल को चलाएंगे कि जो अब तक ये नहीं कर पाया था ये वो सब करने के लिए मजबूर हो जाए। और इस पूरी कड़ी में, ये 8 दिनों के समय में 8 तारीख सबसे ज्यादा जरूरी है। जो आ रही है उनको तो बोल ही रही हूं, जो आज घरों में बैठी है उनको भी बोल रही हूं, और जो एक आधी ज्वाइनिंग लेके माफीनामे दे
वापस आना चाह रही हैं, उनको भी बता रही हूँ, आखिर में एक ही चीज है, एक ही ताकत है जो काम आती है, यूनियन, बाकी कोई काम नहीं आता है। आज के समाज में जहां पैसा ही सब कुछ है, जहां रिश्ते भी पैसों में तोले और मापे जाते हैं, एक ऐसे समाज में आपके रिश्तेदार भी आपका साथ नहीं देंगे। डिपार्टमेंट तो क्या साथ देगा, लेकिन एक ही ताकत है जो आपके लिए हर जगह खड़ी मिलेगी, आपकी यूनियन, आपकी यूनियन। अब हमारी उमा गांधी बाजी के सीडीपीओ ने अफवाह उड़ाई कि शिवानी कह रही है कि हुमा का टर्मिनेशन हो जाए, यूनियन इसके लिए कुछ नहीं करेगी। कितना कितना कोई झूठ बोलने पे आमादा हो सकता है, इसी बात से साफ हो जाता है। हाँ, मैंने ये जरूर कहा है, जो हड़ताल में शामिल नहीं होगी, जो मक्कारी करेगी, जो चमचागिरी करेगी, उसके साथ अगर डिपार्टमेंट कुछ करेगा तो वो अपना खुद देखेगी। यूनियन सिर्फ उनके लिए है जो हड़ताल में आते हैं, जो यूनियन के लिए है और यूनियन उनके लिए है। ये साफ सी बात है, सीधी सी बात है, इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें बहनों इन 8 दिनों में रोज यहाँ पर, रोज सिविल लाइन पर अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूदगी दर्ज करवानी है। हर एक बहन को डेली आना है। कोई भी बहन ये नहीं कह सकती है घर में काम है या कोई बहाना है, कोई काम आ गया है, ये नहीं चलेगा। 8 तारीख को स्त्री दिवस के दिन जो कार्यक्रम होने वाला है, उसकी जानकारी आने वाले 2 दिनों में सारी बहनों को मिल जाएगी। आप लोग अपनी तैयारी करके रखें। एक दूसरी जरूरी बात जो मैं आपसे करना चाहती हूं, आप सबको पता है अरविंद केजरीवाल सरकार के अलावा हमने दिल्ली के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी अपना ज्ञापन सौंपा था। 20 दिन हो गए हैं हमें वो ज्ञापन सौंपे हुए, उपराज्यपाल ने कोई हस्तक्षेप किया? कोई जवाब आया? आपसे उपराज्यपाल के दफ्तर की तरफ से कोई मिलने आया? तो हम क्यों ना माने कि भाजपा और दिल्ली का एलजी अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों की अनदेखी कर रहे हैं और ये हमारी हड़ताल को तोड़ने में आम आदमी पार्टी के साथ मिले हुए। बीजेपी वाले अगर ये सोच रहे हैं कि उनकी ये हरकतें दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन को नहीं दिखाई दे रही हैं, तो आपकी सारी हरकतें हमारे सामने हैं। हर गैर जरूरी मसले पर यहाँ का एलजी काफी उछल कूद मचाता है। दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर अरविंद केजरीवाल और एलजी हमेशा सींग लड़ाते हैं। एलजी तो हर बात पे कहता है दिल्ली का असली हेड मैं हूं, दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती है, मैं ऑर्डर दे दूं तो दिल्ली सरकार उसके खिलाफ नहीं जा सकती है। तो क्या कारण है कि बीजेपी का एलजी आंगनवाड़ी कर्मियों की हड़ताल की जायज मांगों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा? क्या कारण है कि एलजी अरविंद केजरीवाल की सरकार को यह नहीं बोल रहा है कि आप हमारी आंगनवाड़ी की जो दिल्ली की बहने हैं उनकी सारी मांगे मानो? क्यों नहीं बोल रहा एलजी? क्यों नहीं बोल रहा? कोई तो कारण होगा। बिल्कुल, सुनीता कौशिक जी ने एकदम सही बात कही है, चोर चोर मौसेरे भाई। अब इनका दिल्ली का जो लीडर है या इनका जो राज्यसभा में लीडर था रमेश बिधूड़ी, वो आंगनवाड़ी की हड़ताल को लेकर, हमारी बहनों की हालात को लेकर काफी दुखी हो रहा था।
उसने अभी घड़ियाली आंसू भी बहाए थे। तुम्हारे इन नकली आंसुओं की हमें जरूरत नहीं है। और पिछले हड़ताल के दौरान और 20 दिन से जब से हमने एलजी को अपना ज्ञापन सौंपा है, तुम्हारे आंगनवाड़ी कर्मी विरोधी रवैये को लेकर हमने ये फैसला ले लिया है, ना सिर्फ इन चुनावों में आम आदमी पार्टी का पूर्ण बहिष्कार होगा, बल्कि बीजेपी का भी पूर्ण बहिष्कार आंगनवाड़ी की जानने करेगी। इन दोनों पार्टियों का दूसरा साथ कर दो टाइम। एलजी के हाथ में बिल्कुल ये पावर है कि वो हमारी मांगों पर हस्तक्षेप करके दिल्ली सरकार को बोले कि आप इनकी डिमांड्स मानो। कोई यहां बैठा बीजेपी सपोर्टर बताओ, बैठे कोई? वैसे तो इस पर मैं अलग से कभी बात रखूंगी, कल ही रखूंगी कि क्यों किसी भी स्त्री को, किसी लड़की को कुछ भी होना चाहिए, बीजेपी का सपोर्टर नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकती हो, उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे ज्यादा बड़ी स्त्री विरोधी पार्टी, और कल में इनके तमाम नेताओं, मंत्रियों और जो इनके, आपको पता है बीजेपी के पीछे जो असली ताकत है, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नफरत की जीती जागती मिसाल, जो नफरत का कारोबार करती है, दंगा फैलाना, मारकाट करवाना, आपस में धर्म मजहब के नाम पे लोगों को बांटना, ये काम करने वाला जो इनका गिरोह है, उसकी भी जन्म कुंडली कल एक बार खोल कर देखते हैं और कल एक जायजा लेते हैं कि औरतों के बारे में इनके तमाम नेताओं के, मंत्रियों के और इनके संस्थापकों के, जो इनके तथाकथित सरसंघ चालक होते हैं, उनके क्या विचार हैं, इस पर कल में तफसील से बात करूंगी। लेकिन आज इस मंच से दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ये घोषणा करती है कि आने वाले निगम चुनावों में अब न सिर्फ आम आदमी पार्टी का बहिष्कार होगा, बल्कि भाजपा का भी बहिष्कार होगा। हम आंगनवाड़ी की बहनें ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे खिलाफ जो इनका महागठबंधन है, जो इनका अपवित्र गठबंधन है बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का, उसकी हार हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा आज सिविल लाइन्स पर 2 बजे एलजी और बीजेपी का पुतला दहन भी होने वाला है। आप सभी बहनें तो यही रहेंगी, जो वहां पर बहनें वो उसमें शामिल होंगी। पुतला दहन और इनका बहिष्कार, क्योंकि हमारी हड़ताल में ये भी साफ हो गया है कि इनके इशारों पर काम करने वाली दिल्ली पुलिस हमारी औरतों के साथ क्या रवैया रखती है। ये दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के मातहत आती है, क्या किया उसने सबको पता है, किसके बचाव में सब कुछ हो रहा है सबको पता है, तो हमें दूसरी क्लास की बच्ची ना समझे, हम समझदार हैं, हम अपना सही गलत जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और भाजपा मिलकर आंगनवाड़ी कर्मियों की हड़ताल का दमन करने के लिए साथ खड़े, और इनके नापाक मंसूबों को इस बार दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी पूरी तरह से असफल कर देंगे। बाकी सारे मसलों पर तो पूरी पावर है, इस मसले पर चुप क्यों बैठा है? एक बयान नहीं आया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर से भी तो हम 1 किलोमीटर ही दूर बैठे हैं, कोई बहुत दूर तो नहीं बैठे, ये तो केजरीवाल के पड़ोसी है, मेरे ख्याल से
दिन में सारे रिश्तेदारियां चलती होंगी आपस में, तुम्हारे यहाँ चीनी खत्म हो गई तो केजरीवाल लगता है एलजी के घर जाता था मांगने के लिए। और यह होता है, यह होता है। हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा अलग अलग है, ये मुखौटे हैं। आप बेवकूफ बनते हो हर पांच साल में, ये मुखौटे हैं, क्योंकि ये मुखौटे हैं कि अलग अलग तरीकों से पूंजीपति वर्ग की सेवा करने के लिए आज एक पार्टी इस्तेमाल में आ जाती है, कल दूसरी पार्टी आ जाती है। लेकिन इस बार हमारे आंदोलन ने इन तमाम चुनावी पार्टियों की भी पूरी तरीके से पोल पट्टी खोल दी। तो बहनों, एलजी के दफ्तर से चूंकि हमारी मांगों को लेकर अभी तक भी कोई आश्वासन नहीं आया है, भारतीय जनता पार्टी जो हमारी हड़ताल के शुरू होने से ही उस समय से ही घड़ियाली आंसू बहाने में लगी हुई है, अचानक उसके दिल में आंगनवाड़ी की औरतों के लिए दर्द उठाए, तो तुम भी अपना यह फर्जीवाड़ा बंद करो। तुम्हारे फर्जीवाड़े को भी हम पहचान गए हैं, इसलिए आने वाले निगम चुनाव में अब न सिर्फ आम आदमी पार्टी की कब्र खुदेगी, भाजपा की भी कब्र खुदेगी। और ये मैसेज वीडियो के जरिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में सब तक पहुंचा दो और खुद भी इसका प्रचार करो। ये हमसे डरते हैं क्योंकि इन्हें पता है हम, हमारे परिवार, हमारे इलाके के लोग ही हैं जो इनको वहां तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अभी से लेकर बहनों आने वाले 8 दिन, एक एक दिन कीमती है, कोई भी बहन इसमें कोताही नहीं बरतेगी। सभी बहनों को टाइम से रोजाना यहाँ आना है, जो यहाँ बातें होती हैं उनको अपने ग्रुप्स में भी शेयर करो, उन तक भी इन बातों को पहुंचाओ। और 8 मार्च को जो हमारी जबरदस्त महिला दिवस के दिन रैली होने वाली है, उसकी तैयारियों में अभी से लग जाओ। लेकिन कल सभी बहनों को